हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हमें अपने बच्चे के लिए कौन सा टूथपेस्ट लेना चाहिए और कौन सा टूथब्रश अपने बेबी के ऊपर यूज करना चाहिए और सबसे अच्छा टाइम कौन सा है कि जब हमें बच्चे को टूथब्रश करवाना शुरू करवा देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम इन सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब हमारे बच्चे के दांत आने शुरू हो जाते हैं तो एज अ पेरेंट्स हम बहुत खुश होते हैं, बहुत एक्साइट होते हैं अपने बच्चे को ब्रश शुरू करवाने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स हमें कहीं ना कहीं ये चिंता होती ही है कि हमारे बच्चे के दांतों में कहीं कैविटी ना लग जाए, उसके दांत खराब ना हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स, बच्चों के लिए टूथब्रश इंट्रोड्यूस करवाने का भी एक सही टाइम होता है। वैसे तो फ्रेंड्स इसकी कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है कि बच्चे को कौन सी उम्र में कब से जो है ब्रश करवाना स्टार्ट करवाना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग लगभग जब बच्चा एक साल का होता है उसके आसपास हमें ब्रश करवाना शुरू करवा देना चाहिए। इसीलिए फ्रेंड्स जो सबसे अच्छा टाइम है बच्चे को टूथब्रश इंट्रोड्यूस करवाने का वो है नियर अराउंड 1 ईयर, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप उससे छोटे बेबी को ब्रश इंट्रोड्यूस करवा भी देते हो तो हो सकता है कि वो रोना शुरू कर दे या फिर वो ब्रश करवाने में कंफर्टेबल ना हो, क्योंकि फ्रेंड्स उस टाइम पे बच्चा बहुत छोटा होता है और जब बच्चा एक साल का होने वाला होता है, एक साल के आसपास का होता है, उस टाइम पे ये होता है कि बच्चा धीरे धीरे बातों को समझना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब बात आती है कि हमें अपने बेबी के ऊपर कौन सा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप चाहे जो मर्जी टूथपेस्ट अपने बेबी के ऊपर यूज करो, पर आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि उस टूथपेस्ट में फ्लोराइड नहीं। फ्रेंड्स ये जो ममा अर्थ का टूथपेस्ट है इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये टूथपेस्ट 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। इसमें SLS का यूज नहीं किया गया है, पैराबिन का यूज नहीं किया गया है, ये फ्लोराइड फ्री है फ्रेंड्स और 100% नेचुरल है, क्योंकि फ्रेंड्स 100% नेचुरल है तो ये सबसे सेफ हो जाता है बेबी के लिए। और फ्रेंड्स ये जो ममा अर्थ ब्रांड है ये एशिया का सबसे नंबर 1 ब्रांड है जो कि मेड सर्टिफाइड है। और फ्रेंड्स इस टूथपेस्ट में जितने भी इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं सभी के सभी नेचुरल हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हम में से कोई भी नहीं चाहता कि अपने बेबी के लिए केमिकल वाले प्रोडक्ट्स लेके आए। इसलिए फ्रेंड्स आप इन प्रोडक्ट के साथ, ममा अर्थ के प्रोडक्ट्स के साथ आराम से जा सकते हो, क्योंकि ये सभी के सभी नेचुरल हैं। इसका जो टूथपेस्ट है ये भी बिल्कुल नेचुरल है और इसमें फ्लोराइड का यूज नहीं किया गया है, जो कि हमें बच्चे के टूथपेस्ट में चाहिए कि बिल्कुल भी फ्लोराइड का यूज ना किया गया हो। ये 4 साल तक के बच्चों को दे सकते हो, इसीलिए फ्रेंड्स ये बहुत जरूरी है कि आप 3 से 4 साल के बच्चों को फ्लोराइड फ्री पेस्ट ही करवाएं, क्योंकि फ्रेंड्स जो फ्लोराइड होता है वो छोटे बेबीज के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो फ्रेंड्स अब बात आती है कि हमें बेबी के लिए टूथब्रश कौन सा यूज करना चाहिए। तो अगेन फ्रेंड्स आप किसी भी ब्रांड का टूथब्रश जो है वो यूज कर सकते हो, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो टूथब्रश का हेड होता है वो बिल्कुल पतला होना चाहिए, ताकि जब भी आप बेबी को ब्रश करवाएं तो वो उसके मुंह में आराम से घूम सके। और फ्रेंड्स जो उसका बॉटम होता है टूथब्रश का वो थिक होना चाहिए, ताकि बेबी उसे अच्छे से, अगर अपने आप भी करना चाह रहा है तो उसे अच्छे से पकड़ सके। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को औरों के साथ शेयर करें और श्रव्या टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।